ठीक है, तो क्या करने वाले हैं हम, पिछले क्लास का रिवाइज करते हैं। कि सबसे पहले तो ये समझ लो, जो मैंने भी आपको सिखाया था कि हम कैसे टेबल को तीसरी फॉर्म में लिख सकते हैं। सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं, 15 × 2 का आपको पता है 15 × 2 = 30 होता है ना। आपको ये सिखाया गया था इसे आप तोड़ के कैसे जोड़ के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखते थे, 10 में क्या जोड़ू की 15 बन जाए, 5 जोड़ूंगी तभी 15 बनेगा। गुणा का साइन है, यहाँ गुणा लगा दो, यहाँ 2 है, यहाँ 2 लिख दो। अब आपको पता है कि ब्रैकेट का मतलब होता है कि जो उसके बाहर संख्या है उसकी जितनी भी ब्रैकेट के अंदर संख्या है सभी में गुणा होगी। अगर गुणा का साइन है, 2 की गुणा 10 में होगी और इसकी 2 की गुणा 5 में भी होगी। कर दो, 2 की गुणा 10 में करोगे 20 आएगा। बीच में प्लस का साइन है, प्लस लगा दिया, 2 को 5 से गुणा किया 10 आया, तो 2 20 और 10 कितने हो गए, 30 हो गए। तो आ गया सेम आंसर, है ना। एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो मुझे आपको यहाँ पे बतानी है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हम 15 को 10 + 2 ही लिखे। ऐसे और भी नंबर्स है ना, कि मैं इसको और भी तरीके से लिख सकती हूँ, सिर्फ 10 + 2 ही क्यों लिखूँ, 10 + 5 ही क्यों लिखूँ, सॉरी 15 को मैं 10 + 5 ही क्यों लिखूँ। अच्छा ऐसे मुझे कोई भी 2 नंबर बताओ जिसको जोड़ के 15 आता हो। 10 और 5 के अलावा ऐसी 2 संख्याएं कौन सी हैं जिन्हें अगर मैं जोड़ू तो 15 मिले मुझे, चैट सेक्शन में लिख के बताओ। बहुत सारे ऐसे संख्याएं हो सकते हैं जिनको जोड़ के 15 आएगा, कोई सी भी आप एक संख्या बता दो। 2 संख्याएं, ये ऐसे एक बच्चे का आंसर आया ज्योति यादव के नाम से, वेरी गुड बेटा, 11 और 4। और बाकी बच्चे भी ट्राई करो, यस 12 और 3, 9 और 6, बहुत बढ़िया। तो देख रहे हो, यस ऐसी बहुत सारी संख्याएं। तो मेरा समझाने का मतलब क्या है कि आपको सिर्फ 10 की फॉर्म में नहीं लिखना है। 10 की फॉर्म में मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मेरे लिए मल्टीप्लाई इजी होता है। अगर आप चाहें तो इसे जो आपने नंबर बताए, जो आपने संख्याएं बताई हैं, उसके हिसाब से भी करके आपका सेम आंसर आ सकता है। आ सकता क्या है, सेम आंसर ही आएगा। जैसे 15 को हम सबसे पहले लिख लेते हैं, जो ज्योति यादव नाम के बच्चे ने बोला था, ठीक है उसी से स्टार्ट कर लेते हैं। 11 + 4 बोला था 15, गुणा की जगह गुणा, 2 की जगह 2। अब कर दो सेम वही फॉर्मेट जो हम करते हुए आ रहे हैं, 2 की गुणा 11 से करो, 11 × 22 होता है ना, हमने 11 का टेबल सीख लिया था। प्लस की जगह प्लस, 2 × 4 = 8। अब 22 और 8 को जोड़ोगे तब भी 30 ही आना है। तो समझ रहे हो मेरे कहने का क्या मतलब है। पैसा आप दिमाग में बिल्कुल मत रखना कि 10 वाला जोड़ के ही मेरा आंसर हमेशा सही आएगा। कोई भी 2 संख्याएं हो उनको जोड़ के अगर 15 आ रहा है, कोई भी 2 संख्या, किसी का भी हम नंबर का मल्टीप्लीकेशन करें तो आंसर हमेशा सेम ही आएगा। चाहे तो एक और ले लो, एक और नंबर आपने बोला था, जैसे एक बच्चे ने बोला, हाँ राव प्रदीप यादव के नाम से, जो इस बच्चे का एग्जाम्पल ले लेते हैं, 12 और 3 का, 15 को लिखा 12 और 3 × 2। अपनी अपनी कॉपी में भी करते जाओ, देखो आंसर आ रहा है 30 या नहीं। तो 2 को 12 से गुणा किया, 12 × 2 = 24, 12 का टेबल भी आता है, प्लस की जगह प्लस, 2 × 3 = 6, और 24 और 6 कितने होते हैं 30, इससे भी 30 ही आया। क्लियर सभी को, समझ में आया, 30 ही आएगा। 9 और 6 को ले लो तब भी 30 आएगा, 7 और 8 को ले लो, 8 और 7 को ले लो, है ना, हमेशा 30 ही आने वाला है आपको। चलिए उसके बाद आपको सर ने एक और चीज बताई थी कि जो हम ये कर रहे थे, a गुणा b बराबर b गुणा a होता है, ये भी करवाया था ना, है ना, जहाँ a और b हमारी कोई भी संख्या हो सकती है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बताती हूँ, जैसे 4 × 5, 4 × 5 बराबर होता है 20, वैसे ही 5 × 4 ये भी 20 होता है ना, 4 × 5 = 20, 5 × 4 = 20, है ना। मल्टीप्लाई में कभी भी ऑर्डर कुछ भी हो, कोई नंबर आगे कोई पीछे हो, हमेशा उसका सेम आएगा, इसलिए ये चीज यहाँ से बन गई, ठीक है। 4 में मान लेती हूँ ए है, बी में मान लेती हूँ 5 है,
चार गुना पांच हमेशा बराबर होगा 5 गुना 4। ये किसी भी संख्या के लिए, मैंने सिर्फ एक सिंपल से एग्जाम्पल लिया आपको, 4 और 5। क्लियर इतना? अब एक क्वेश्चन आ सकता है माइंड में कि क्या ये सिर्फ दो ही संख्याओं के लिए, दो ही अंकों के लिए वैलिड है क्या? कि अगर मैं तीन तीन अंक ले लूं, तीन अंकों का गुणा करूं या तीन से ज्यादा, 4 का 5 का, तो क्या ये वैलिड होगा? तब भी ये वैलिड होगा। देखो कैसे होगा, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, मैंने ले लिया 2 गुणा 3 गुणा 4। ठीक है, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 2 3 जा 6 है ना, 6 गुणा 4 बचा, यहाँ लिख लिया 6 4 जा 24, 24 आ गया। अब मैं ना ऑर्डर चेंज कर देती हूँ, कोई भी नंबर आगे लिख लेती हूँ, कोई पीछे लिख लेती हूँ, इन तीनों में आपकी मर्जी। मैंने 4 अब पहले ले लिया, 2 बीच में ले लिया, 3 लास्ट में ले लिया। अब देखो क्या मल्टीप्लाई करके सेम आएगा, 4 2 8, यहाँ 3 बचा 3, 8 दिया 24। क्लियर? तो मल्टीप्लाई में कितनी भी संख्याएं हो, ठीक है, ऑर्डर से कभी फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर सभी को? ठीक है, आगे बढ़े। आज हमें देखना है 25 का पहाड़ा, 25 का टेबल। चलो देखते हैं 25 का टेबल हम कैसे बनाएंगे। एक मिनट बेटा, स्क्रीन चली गई होगी, 2 मिनट का टाइम देना, स्क्रीन दोबारा से शेयर कर रही हूँ आपके साथ। ठीक है, जिस जिसको जब तक 25 का पहाड़ा आता है, जरा चैट सेक्शन में लिख दूँ अगर आता है आपको, जो पहाड़े बनाने को मैंने सिखा दिए है, एक बार चैट सेक्शन में लिख के दिखाओ कि आप बना पाते हो या नहीं। 25 का पहाड़ा, नहीं बना पाई, कोई बात नहीं, मैं सीखा। यस, दो बच्चों ने आंसर भी लिख दिया, वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो कैसा है होगा, आपकी स्क्रीन में 25 का टेबल आपको दिख रहा होगा। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, 25 बन जाए 25, 25 एक कम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75। हर स्टेप में यहाँ ध्यान से देखोगे तो क्या क्या जुड़ रहा है आपको पता है, जिस भी संख्या को हम पहाड़ा बनाते हैं वही संख्या हर एक स्टेप में जुड़ती जाती है। जैसे यहाँ मैं अगर 25 जोड़ूंगी तो 50 आएगा, फिर 50 से 25 जोड़ूंगी 75 आएगा, है ना, फिर 75 में 25 जोड़ूंगी 100 आएगा, फिर 100 में 25 जोड़े 125 आया। ये सभी को पता है जो हम पहले वाले टेबल में भी कर चुके हैं, है ना। दूसरा, अगर आप इसे और तरीके से करना चाहें वो भी आपको पता है, 25 एकम 25 होता, मतलब 25 को मैंने एक ही बार जोड़ा होगा, 25 दूनी 50 मतलब 25 को 2 बार जोड़ा होगा तभी 50 आया, 25 तिया मतलब 25 × 3 का मतलब क्या है, 25 को 3 बार जोड़ा तो 75 आएगा, है ना। तो ऐसे जोड़ के करना थोड़ा सा मतलब टाइम टेकिंग है, तो बेटर ये है कि हर स्टेप में 25 जोड़ दो, वो भी सही है, नहीं तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज आपने यहाँ पे नोटिस करी होगी, क्या चीज नोटिस करी है, कि आपने इकाई वाली जगह पे, है ना, यूनिट प्लेस पे देखो कौन सा ऐसे अंक है जो रिपीट हो रहा है, कौन सा अंक आ रहा है यूनिट प्लेस पे सबके, यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, फिर 5 फिर 0, फिर 5 फिर 0 हुआ ना, 5 और 0 का ही रिपीटेशन हो रहा है, ये नंबर बार बार हमारे इकाई वाले जगह पे आ रहा है। और ये हमने कौन से नंबर पे हमने ध्यान दिया था, सबसे पहले 5 के टेबल पे, 5 के पहाड़े में भी यही देखा था हमने कि 5 और 0 ही बार बार हमारा रिपीट हो रहा था,
याद आया? यहाँ से कहने का मतलब क्या है कि 25 जो है, 25 जो संख्या है वो 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, शेषफल शून्य बचता है। 5 5 25, शेषफल शून्य है। तो ऐसे संख्याएं, ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनको 5 से पूरी तरह, जो 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाते हैं, तो उनके भी जो इकाई वाली जगह है वहां पे 5 और शून्य ही आएगा, जैसे 5 के टेबल में आ रहा था। ठीक है, एक और एग्जाम्पल बताऊं उससे मैं क्या कहना चाहती हूँ। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 35 का टेबल लिखूं, 35 एकम 35, ठीक है, 35 गुनी 70, आप भी मेरे साथ साथ 35 का टेबल लिखो चैट सेक्शन में, सभी बच्चे जोड़ते जाओ 35 35 हर स्टेप में। ठीक है, चलिए 35 सीए कितना होगा, 70 में 35 जोड़ दो 105, ठीक है, 35 चौके कितना होगा, 140 होगा, 35 चौक, यस। ठीक है, ऐसे करते करते 35 धाम 335, सॉरी 350, ठीक है, 350। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे इकाई वाले जगह पे यही दो अंक है, 5 0 5 0। और आप सभी को पता है 35 भी 5 के टेबल में आता है या 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है, तो इसलिए इसके भी जो इकाई वाली जगह है सब में 5 और 0 ही रिपीट होगा। क्लियर हुआ सभी को? ये चीज समझ में आई? ऐसी कोई भी संख्या जो 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, तो सभी संख्याओं के टेबल में लास्ट में यूनिट प्लेस में इकाई वाली जगह पे हमेशा 5 और 0 ही रिपीट होते रहेंगे। पहले 5 फिर 0 फिर 5 फिर 0, ठीक है। यहाँ तक अगर क्लियर है तो चैट सेक्शन में वाई लिखिए, फिर हम क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। यस वेरी मैम। गुड, वेरी गुड। अब आपको टेबल बनाना अच्छे से आ गया, ठीक है बेटा, पूरा टेबल लिख दिया, यस चलिए मैम। गुड। अब चैट सेक्शन आपका बंद हो गया है, ठीक है। अब पोल में ना एक क्वेश्चन आएगा, पोल सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 9 करके, देखिए सभी के पास आ गया होगा। क्या बोला है, करेक्ट विकल्प का, सही विकल्प का चयन करना है। 25 गुणा 7 कितना होगा, एबीसीडी 4 ऑप्शन है। पोल सेक्शन में जाके आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 9 के उसमें आ गया होगा पोल में जाके, ठीक है। जिसके को पोल वाला नहीं आता, जिसकी पहली क्लास है अगर किसी बच्चे की, तो लास्ट में रुक जाइएगा, मैं बता दूंगी पोल सेक्शन कैसे आता है, ठीक है या मैम, हेलो मैम। बेटा। पोल सेक्शन में क्वेश्चन आ गया होगा, पोल सेक्शन पता है ना कैसे आता है, एक्टिविटीज में जाके। अगर किसी के फोन में पोल सेक्शन नहीं आ रहा है, किसी का पुराना वर्जन है, अपडेट नहीं है, तो अभी मैं थोड़ी देर में चैट सेक्शन ऑन कर दूंगी, आप वहां आंसर कर देना, ठीक है। यस, ऑलरेडी 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं पोल सेक्शन। ये बेटा 8 बच्चे, मैम यस वेरी गुड, ठीक है, कर दिया। तो बाकी बच्चे भी जिन सभी जिनके पास भी पोल का ऑप्शन आ रहा है ना, सब पोल सेक्शन में ही आंसर करेंगे। बेटा 8 बच्चों का आंसर आया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 25 सत्ते पूछा है आपसे, 25 गुणा 7। तीन स्टूडेंट्स है क्लास में, और भी मेरे पास सिर्फ 9 बच्चों का आंसर आया पोल सेक्शन में। ठीक चलिए, आखिरी के 5 सेकंड्स और है आपके पास आंसर करने के लिए। 5 4 3 2 1, ठीक है, मैं पोल सेक्शन एंड कर रही हूँ, आप पोल में आंसर नहीं कर पाएंगे आप।
आप चैट सेक्शन में कर दीजिए, जिसके पास पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा चैट में कर दो आंसर। एबीसीडी चार ऑप्शन है। बाकी बच्चे भी करिए। वेरी गुड, ठीक है। चलो देखिए 25 सते कितना होता है, ठीक है। तो आप इसे किसी भी तरीके से कर सकते हैं, चाहे तो आप डायरेक्ट इसकी गुणा कर लीजिए, 25 को 7 से गुणा कर लो, ठीक है। 5 7 35, 35 होता है, हासिल 3 हो गया, 7 2 14, 14 और 3 कितने हो गए, 17, 175, मतलब सी ऑप्शन सही है हमारा, है ना। और दूसरा तरीका कैसा है, इसको जोड़ के भी कर सकते हैं। 25 को क्या लिख सकते हो, 10 प्लस 15, 10 और 15 को जोड़ोगे 25 ही तो आएगा, गुणा की जगह गुणा, 7 की जगह 7। अब सॉल्व करो तो भी 175 ही आएगा। 7 को 10 से गुणा किया, 7 10 कम 70, ठीक है। 15 का पहाड़ा आप सभी को आता ही है, क्योंकि हमने देखा था 15 सते 105, 105 और 70 को जोड़ो कितना हो जाएगा, 175, ऐसे भी हमारे 175 ही आएगा। क्लियर, समझ में आया। 25 को हम 10 प्लस 15 लिख सकते हैं ना आराम से, हमें 10 की फॉर्म में इसलिए लिख रही हूँ ना, क्योंकि मेरे को किसी भी संख्या को ना 10, 100, 200, 1000 ऐसे गुणा करना काफी आसान रहता है। जितने ज्यादा शून्य होंगे मेरे लिए उतना ज्यादा इजी होगा मल्टीप्लाई कर, ठीक है। क्लियर सभी को, आगे बढ़े। ऑप्शन सही उत्तर है। अब हमारी आती है कुछ हमारी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, गुणा करने वाली, ये वाली तो सभी को आती है कि किसी भी संख्या की या किसी भी किसी भी संख्या की किसी अंक का हम शून्य से गुणा करेंगे तो शून्य ही आता है, सभी को पता है। चाहे वो हमारी संख्या दशमलव वाली क्यों ना हो, डेसिमल नंबर क्यों ना हो, जैसे 5 3 4 7 5 कुछ भी हो, अगर मैं इसे शून्य से गुणा करूँ तो शून्य ही आएगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा नंबर या संख्या कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, शून्य से गुणा कर रही हूँ तो शून्य ही आएगा। क्लियर, इसमें कभी कंफ्यूज मत होगी। ठीक है, आगे बढ़े। इस वाले प्रॉपर्टी को मैं क्या कहती थी कि ए गुणा शून्य हमेशा शून्य के बराबर, जहां ए हमारी कोई भी संख्या हो सकती है, कोई संख्या हो सकती है, मतलब एनी नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब एक वाला प्रॉपर्टी भी पता है आपको कि भाई किसी भी संख्या को एक से गुणा करोगे मुझे वही संख्या मिल जाती है, वही संख्या प्राप्त हो जाती है। यहाँ पे दशमलव वाली संख्या है, दशमलव वाली को भी एक से गुणा करेंगे तो वही संख्या तो मिलेगी, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता दशमलव में है। अब मैं अगर 1/2 को एक से गुणा करूँ तब भी मुझे 1/2 ही मिलना है, इसका मतलब कोई भी तरीके की संख्या हो, चाहे अंश के अंश और हर के टाइप वाली हो, फ्रैक्शन में हुआ ना, किसी भी फॉर्म में हो, सबको गुणा करके एक से वही संख्या मुझे दोबारा प्राप्त हो जाएगी। ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी, ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा रिवाइज करवा रही हूँ। इसका मतलब बेटा ये पढ़ चुके हैं ना ये प्रॉपर्टी, कि किसी भी संख्या को एक से गुणा करोगे वही संख्या मिलेगी, याद है ना। बस यही बोल रही हूँ, ठीक है। इसका मतलब ए को एक से गुणा करोगे ए ही मिलेगा, ए यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकती है, चाहे वो 25 हो, चाहे वो 32.4 हो, चाहे वो ये संख्या हो, कुछ भी हो एक ही जगह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो अब चैट सेक्शन में आप लोग आंसर करने वाले हैं इसका, जल्दी जल्दी से। चलो पहले मैं आपको सिखा देती हूँ, ठीक है, कि कैसे ज्यादा इजी रहेगा आपको अगर ऐसे मल्टीप्लाई करना हो, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगने वाला है हमारा, ठीक है। मैं समझा देती हूँ पहले, ध्यान से देखिए। पहले पहला वाला तो इजी है, तो कैसे करना है, जब भी इस तरीके की क्वेश्चन आए ना शून्य वाले की, कितने शून्य है, तो पहले जितने शून्य है वो लगा लिया करो। यहाँ 8 × 10 है, तो 10 में कितने शून्य है, एक ही शून्य है, वो शून्य पहले से निकाल के अलग रखिए, शून्य आ गया। अब जो अंक बचा है, जो संख्या बची है 8 और 1, 8 को 1 से गुणा कर दो, 8 एकम 8,
ये आ गया 80। क्लियर। सेकंड वाले में भी ऐसे ही करना है, 17 गुणा 20 को, 20 में भी एक शून्य है, एक शून्य लगा दिया। अब कौन सी संख्या बची, 17 और 2, शून्य तो हट गया ना। 17 गुणी कितना होता है, 17 गुणी 34, 340। क्लियर। मुझे ऐसे करने की जरूरत नहीं कि मैं 17 गुणा 20 कर रही हूँ, सोचो तो कितना लंबा हो जाता है ऐसे करके। तो मैं शून्य पहले अलग कर लेती हूँ, ये अब यहाँ कर लो 150 गुणा 70। पहले शून्य काउंट कर लो बेटा, शून्य है यहाँ पे दो, एक 150 में है, एक 70 में, तो दो शून्य आ गए। अब 15 और 7 को गुणा करो, 15 और 7 को, 15 सत्ते, अभी थोड़ी देर पहले ही करा, 15 सत्ते 105। हाँ, माइक ऑन करके नहीं बोलेंगे, क्योंकि तो हम, मैं पहले भी बोलती हूँ चैट सेक्शन में, देखो सभी के आंसर दिख रहे हैं मुझे चैट सेक्शन में, ठीक है। अब लास्ट वाले में आओ, शून्य काउंट करो, 2 और 1 यहाँ शून्य, मतलब 3 शून्य, तीनों को अलग लिख लिया। अब 13 को 4 से गुणा करो, ठीक है, 13 को 4 से गुणा करो कितना आएगा, करिए, 52 होगा, किसी बच्चे ने 52 लिखा हुआ है, 52 होता है या 42 होता है, 13 4 यस, ठीक है, 52 ही होता है। तो हमारे चारों आंसर हमारे आ गए, सभी को समझ रहे हैं, देखो कितनी जल्दी हमारे सॉल्व हो गए। मैं तो सोचू ये नंबर कितना मुश्किल होता, पहले आप 13 को लिखते, फिर नीचे 40 लिखते, फिर इसकी गुणा करते, कितना लंबा प्रोसीजर हो जाता, कितना टाइम ले लेता हमारा। तो इस तरीके से करना है, समझ में आया ये वाला सभी को, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे, ठीक है, चैट सेक्शन में आंसर करना है। सबसे पहला नंबर ऑफ जीरोस काउंट करो और आंसर लिखो, 4 गुना 100, वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर आ रहा है, 400 लिख रहे हैं सभी बच्चे, है ना, ये ओके, सभी बच्चों ने लिख दिया। गुड, हम पहले पे ये दूसरे का आंसर नहीं लिखना, तो 2 शून्य है, 2 शून्य लगा दिए, 4 गुणा 1 4 होता है। अगले पे आ जाओ, 12 गुणा 300, शून्य अलग कर दो सबसे पहले, तो कितने शून्य है, ठीक है, वेरी गुड, 3600 आंसर है ना सेकंड वाले का, सेकंड वाले का 2 शून्य थे, मैंने 12 3 36 है ना, गुड। थर्ड वाले पे आ जाओ, थर्ड वाले का आंसर लिखो, तीसरे वाले का 130 गुणा 600, ध्यान से, आप यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है, जीरो से हमसे काउंट करना, जीरो गड़बड़ मत कर देना है तीसरे वाले में, लिखिए तीसरे का आंसर जिसने नहीं लिखा है, ये यस, 78,000, 3 0 है, 2 यहाँ 1 यहाँ लगा दिए, 1 2 3, 13 गुणा 6 13 6 78, ठीक है, 78 होता है, 78,000। वैसे लास्ट वाले फोर्थ पे आ जाओ, फोर्थ वाला, फोर्थ का आंसर नहीं, मनोज शर्मा के नाम से जो बेटा आपने 10 एक्स्ट्रा लगा दिया, 3 शून्य आएंगे, 4 नहीं आएंगे, ठीक है, तो जीरो को ध्यान में रखो, लास्ट वाले को करो, चौथे वाले को, शून्य के लिए 2 यहाँ 2 यहाँ 4, 1 2 3 4, 18 गुणा 9, 18 9 162, ठीक है, 162 के बाद 4 शून्य आएंगे, क्लियर सभी को,
आगे बढ़े। कोई ऐसा बच्चा जिसे डाउट हो इसमें तो पूछ लो, किसी बच्चे को डाउट है इसमें तो। क्लियर है सभी को? क्लियर नहीं भी है तो आप भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और क्वेश्चन आने वाले हैं। क्लियर है सभी को? ठीक, चलिए अब ज्यादा जीरो आ रहे हैं। चलो पहले का करो, पहला करो 7 × 1000, 7 × 1000 शून्य लगाओ अलग से और फिर संख्या को गुणा करो। यस, वेरी गुड। ठीक है, कितने शून्य है? 3 है, 3 अलग लिख लेती हूँ। 7 × 1 कितना होगा? 7000। क्लियर? पहला का है 7000। दूसरे पे आ जाओ, सेकंड वाला, सेकंड वाला। कितने शून्य है? 3 शून्य है यहाँ टोटल, तो 3 लगा दिए। 14 को 3 से गुणा करो। यस, काफी बच्चे गुणा में गड़बड़ कर रहे हैं। कोई 42 लिख रहा है, कोई 52 लिख रहा है। तो 14 × 42 होता है, 52 नहीं होता। ठीक है, 42, 14 × 42, 52 नहीं होता। ठीक है, तो 13 × 52 होता है, 14 × 42 दोनों अलग अलग। ठीक है, चलिए तीसरे वाले में आ जाओ, थर्ड वाले काउंट कर लीजिए। शून्य ढंग से काउंट करना रहेगा। करो करो काउंट करो, 3 यहाँ है, 1 यहाँ है, 4 हो गए, 1 2 3 4। 17 को 4 से गुणा करो, 17 × 68। ठीक है, 68, गुड। लास्ट वाला, फोर्थ वाला, जो लास्ट क्वेश्चन है उसका आंसर लिखिए। यस, गुड बेटा, गुड। तो 0 काउंट करो, 3 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो 5 होगा, 1 2 3 4 5। 12 × 5 = 60, ये 60 वाला शून्य 12 × 5 वाला है। कितने 0 होगा? 1 2 3 4 5 6, 6 0 लगाए, कभी ने 6 शून्य लगाए? ये कभी ने 6 शून्य लगाए, है ना? वेरी गुड। क्लियर सभी को बेटा? जब भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे या ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके, बट हाँ कैलकुलेशन में ऐसे काफी आ सकते हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन जो होंगे आपकी उसमें ऐसे आ सकते हैं, तो आपका टाइम बचेगा, इसलिए ये चीज इम्पोर्टेंट है समझने के। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ में आया और उसे पूछने में शर्म आती है क्लास के बीच में, तो क्लास के एंड में रुक जाना। ठीक है, तो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। चलो अब ये वाला पजल करते हैं। ठीक है, पजल में काफी मजा आता है। ठीक है, चलो पहला, 6 को 100 से गुणा करोगे, ए में आएगा, ए में कौन सी संख्या आएगी? ए में कौन सी संख्या आएगी? 6 × 100। सबसे पहले आंसर किसने किया? महावीर कुमार के नाम से जो है बच्चा, सबसे पहले आंसर किया 6 × 100 = 600। वेरी गुड, तो एक ही जगह कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा, लिख दो 600। क्लियर, गुड। चलिए सेकंड, 600 × 1 बी में आएगा, 600 × 1, 600 × 1। यस, इस वाले का आंसर मतलब मुझे समझ में नहीं आया किसने पहले लिखा, क्योंकि पहले और ए और बी दोनों का आंसर सेम ही है, तो इसको छोड़ देते हैं, किसी का नाम नहीं लूंगी, सभी का ठीक है। ठीक है, 600 × 1 600 ही होगा। आपको पता है किसी भी संख्या को 1 से गुणा करो वही संख्या प्राप्त होती है, बी में भी 600 आएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ आते हैं, 6 × 1 आएगा सी में, 6 को 1 से गुणा किया। यस, नीतू सिंह के नाम से जो है बच्चे ने सबसे पहले आंसर किया है, 6 को 1 से गुणा करो, सी वाले में आ जाएगा।
कितना आ रहा है? छह ही आ रहा है ना? 60 का आ रहा है बेटा, छह ही तो आ रहा है, 60 नहीं है बेटा, 6 है, 6 गुणा 1 6 जो आएगा सी में। क्लियर? यस। चलो जब तक मैं ना पूछे तब तक आंसर नहीं लिखना, आप एडवांस में करेंगे तो आपका आंसर। यस यस। किसको डाउट है कुछ? नहीं डाउट है। डी में क्या आएगा? 6 गुणा 10 डी में आएगा, यहाँ 10 से गुणा हो रही है। यस, शालू कुमार के नाम से जो है सबसे पहले आंसर किया है, 6 गुणा 10 डी में। अभी हम ई में नहीं आए हैं, ई का मत लिखिए आंसर, डी वाले का कर रहे हैं, 6 गुणा 10। यस, 60 आएगा इसमें भी। ठीक है, 6 गुणा 10 60। ठीक है, यस, डी तक हो गया। चलिए नेक्स्ट है, 60 गुणा 0 कितना आएगा? 60 गुणा 0। ठीक है, महावीर कुमार के नाम से फिर से एक और क्वेश्चन, सबसे पहले आंसर दिया है, बाकी सभी बच्चों का ठीक है, और जिसका सबसे पहले आंसर है उसका नेम ले रही हूँ। 60 गुणा 0 कितना हो गया बेटा? 0 हो गया, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो 0 ही मिलता है, इसमें 0। इसमें लिखा है 60 कहाँ होगा? शालू कुमार के नाम से जो है, क्या 60 को 0 में गुणा करोगे? 60 थोड़ी ना आएगा, 0 आएगा। अगर 1 से गुणा होता तो आप वहां पे 60 लिख सकते थे, यहाँ 0 है। क्लियर है? 0 है। नेक्स्ट करते हैं, एच वाले में करते हैं, एच वाले में, एच वाले में ई गुणा मतलब 0 गुणा 1 एच में आएगा। इसका भी मुझे पता नहीं चल रहा है क्योंकि काफी बच्चों ने पहले लिख दिया है, कि इसमें सभी का ठीक है, सभी विनर है। ई वाले में आएगा, सॉरी एच में आएगा 0 गुणा 1 क्या आएगा? 0 ही आएगा, 0 ही आएगा एच में। क्लियर? ठीक है, अब हम करते हैं 60 गुणा 1 जो जी में आएगा, 60 गुणा 1। यस, नीतू सिंह के नाम से जो है कुछ ने सबसे पहले आंसर किया, बाकी सभी का ठीक है। अच्छा, जिसका मैं नाम ले रही हूँ उसका मतलब ये नहीं कि बाकी बच्चे आंसर ही ना करें, सभी बच्चे लिखो चैट सेक्शन में, 1 2 3 4 5 6 7 ही बच्चों ने लिखा है अभी तो आंसर, कि जी में क्या आएगा 60 गुणा 1। बेटा मेरे पास सभी के नाम आते हैं, मैं आपसे पहले भी बोल चुकी हूँ, मुझे सब पता चलता है कौन बच्चा आंसर कर रहा है कौन नहीं, नाम के साथ। क्लियर है? गुड, जी में आ जाएगा 60। लास्ट वाला है 6 गुणा 0 एफ में आएगा, 6 गुणा 0 जैसे महावीर कुमार के नाम से बच्चे उसने सबसे पहले आंसर किया है, बाकी सभी का ठीक है, बाकी बच्चे का 6 गुणा 0 आएगा एफ में। ठीक है, एफ में आ जाएगा 0। क्या है सभी को? कोई ऐसा बच्चा जिसको ये वाली पजल समझ में ना आई हो तो बताइए, तो समझ में ना आई हो एन लिख दो बेटा। ठीक है, संजय रोहिला के नाम से बेटा, कहाँ पे कौन सा वाला नहीं समझ में आया? मैम ये 26 वाला। कौन सा बेटा? 26 गुना 10। वो 26 नहीं है बेटा, वो 6 है, वो आपको एरो लग रहा होगा, 26 वो एरो है। ठीक है, 6 गुणा 1 6 आया, यहाँ यहाँ 6 गुणा 1 था ना, 6 गुणा 10 60 हो जाएगा। ठीक है, 26 नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट वाली पजल है, इसको करते हैं कंप्लीट, वो करते हैं, चलो स्टार्ट करें। चलिए 6 गुणा 100 वो आएगा ए में, 6 गुणा 100। और सॉरी बेटा, ये उसका आंसर है, ये उसका आंसर है, ठीक है, ये पहले वाले पजल का आंसर है, ये तो हम कर चुके हैं ना।
ये वाला है, नेक्स्ट वाला पजल, ठीक है, सॉरी सॉरी हम कर चुके हैं। चलो इस वाले में करते हैं स्टार्ट। 5 × 2 ए में आएगा, 5 को 2 से गुणा करो। यस, ज्योति यादव के नाम से जैसे सबसे पहले आंसर आया। 5 × 2, जल्दीबाजी में गलत टाइप मत कर देना। 5 × 2 होता है 10, है ना। 5 × 2 = 10, ए में आता है। ग्रेट, सभी बच्चे लिखेंगे चैट सेक्शन में, ठीक है। सभी के नाम मैं देख रही हूँ कौन कौन आंसर करते हैं। चलिए नेक्स्ट है सी वाला करते हैं। 5 × 4 सी में आएगा। 5 × 4 देखो, आप लोग सबसे पहले टाइप करने लग जाते हैं ना, बी का टाइप करने लग गए थे आप, मैंने सी का पूछ लिया। 5 × 4 यस, ज्योति यादव ने पहले बी का दिया, फिर सी का भी उन्होंने सबसे पहले दिया। मैं सी वाले का पूछ रही हूँ। 5 × 4 5 × 4 = 20, बीस है, सी में आ जाएगा, ठीक है। चलिए डी वाले में बताओ, 5 × 20 या 20 × 5, डी में क्या आएगा? 20 × 5 यस, ज्योति यादव सबसे पहले आंसर दिया इस नाम के बच्चे ने। गुड, ठीक है। 20 को 5 से गुणा करोगे तो 100 आएगा। 20 × 5 = 100, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ बी में, बताओ 10 × 4 बी में आएगा। 10 × 4 10 × 4 यस, इसने आंसर दिया सबसे पहले सुरेंद्र के नाम से जो बच्चा है, ठीक है। 10 × 4 होता है 40, बीमा जाएगा 40। चलिए ई में बताओ, 100 × 8 100 × 8। चलिए महावीर कुमार के नाम से जो बच्चा है, सबसे पहले आंसर दिया 100 × 8 100 × 8 800, है ना। ये तो ई में आ जाएगा 800। चलिए चलो अब ले लेते हैं हम यहाँ से 100 × 5, तो जी में आएगा, जी वाले में 100 × 5। फिर से ज्योति यादव नाम के बच्चे ने सबसे पहले आंसर किया 100 × 5, जी वाले में देखना है। ये आएगा 500 आएगा, 100 × 5 = 500, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, 800 × 1 एच में आएगा। 800 को 1 से गुणा करो। फिर से ज्योति यादव के नाम से, ऐसा लग रहा है बच्चा अपना हाथ आपको, मुझे लग रहा है मैसेज में ही है ना, सिर्फ आप वॉइस सुन के कर रहे हो क्या, चैट सेक्शन में ही आपके हाथ है, ठीक है। 800 को 1 से गुणा करोगे तो 800 ही आएगा, है इसकी किसी भी संख्या को 1 से गुणा करो वही संख्या हमें प्राप्त होती है। लास्ट 20 × 8 यस, मनोज शर्मा के नाम से जो है सबसे पहले, कि बाकी दो बच्चों ने पहले आंसर कर दिया था। 20 × 8 160 होता है, 160 एस में आएगा, 160। क्लियर, सभी बच्चों को समझ में आ गया, क्लियर है ये वाला पजल। चलो आगे बढ़ते हैं, ये इसका आंसर, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए वाले पजल का। चलिए अब आपके सामने ना एक क्वेश्चन आने वाला है पोल सेक्शन में, तो मैं यहाँ से चैट सेक्शन को ऑफ कर रही हूँ। क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा है सही विकल्प का आपको चयन करना है, फिर से तो
क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 1800 को 80 से गुणा करो, क्वेश्चन नंबर 10। और उत्तर करिए पोल में जाकर। कीजिए 1800 को 80 से, सेम वही प्रोसीजर अपनाना है। सबसे पहले जितने शून्य हैं उतनों को लिख के अलग कर लो, फिर संख्याओं को गुणा कर लो। ठीक है, करिए। चार बच्चों के आंसर आ भी गए। शून्य काउंट करो और उत्तर लिखो। एबीसीडी चार ऑप्शन है, बताइए। जीरो काउंट करने में गड़बड़ मत करना। चलो, छह बच्चों ने ही आंसर किया अभी तक, बाकी बच्चे भी करो। चलिए, आठ ही बच्चों ने किया है। बेटा पोल का ऑप्शन आता है ना आप लोगों के पास? अगर आ रहा है फिर भी आप पोल सेक्शन में नहीं कर रहे हैं तो फिर ये गलत बात है। पोल का जितना हो सके हम उतना यूज करते हैं। ठीक है, चैट सेक्शन से उन बच्चों के लिए जिनके पास पोल का ऑप्शन नहीं आता। मैम कर दिया। ठीक है, चलिए आखिरी के 5 सेकेंड और हैं आपके पास। काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं उनके से। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कर दीजिए आंसर जिनके पास पोल का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलो। तो पहले मैंने क्या बोला, पहले तो आप जीरो काउंट कर लो। कितने जीरो हैं? दो यहाँ है, एक यहाँ है, तीन जीरो हो गए, लगा दिए। अब क्या संख्या क्या बची? 18 और 8। 18 को 8 से गुणा करोगे, 18 8 ये तो याद ही होना चाहिए, गुणा करने की जरूरत नहीं। कितना होता है? 144। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। किसी बच्चे ने बी पे भी टिक किया, इसका मतलब उसने जीरो की काउंटिंग गलत करी है। ठीक है, बी सही नहीं है, सी वाला सही है, क्योंकि हमारे 3 जीरो आएंगे 144 के बाद, 2 नहीं आएंगे। क्लियर? बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी पजल है, आज की आखिरी पजल है, इसको कर देते हैं। ठीक है, करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैट सेक्शन में सभी रेडी रहना बच्चों। ठीक है, अब ये उल्टी पजल जा रही है, यहाँ से थोड़ी सी आपको शायद टफ लगे। ठीक है, हाँ, अभी आंसर नहीं करना, अभी आंसर नहीं करना, अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया। चलो करते हैं स्टार्टअप। ऐसी कौन सी संख्या ए में आएगी जिसको मैं 3 से गुणा करूं कि मुझे 6 मिल जाए? ऐसी कौन सी संख्या ए में आएगी जिसको 3 से गुणा करूं कि 6 आ जाए? इजी था ना, क्योंकि सभी बच्चों ने आंसर कर दिया इसका। यस, ऐसी एक ही संख्या है जो कि है 2, है ना?
दो को 3 से गुणा करूंगी तभी 6 आएगा, तो ए में आ जाएगा 2। ठीक है, वेरी गुड, ए में आएगा 2। नेक्स्ट आ गया, 6 को 2 से गुणा करोगे बी में वो संख्या आएगी, 6 तो नहीं डायरेक्ट बी में वो संख्या आने वाली है, ये 6 दूनी 12 है ना। चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं सारे को, क्योंकि इसमें ज्यादा बड़ी संख्या नहीं है। ठीक है, सी में आ जाओ, 2 गुणा 5 सी में आएगा, 2 गुणा 5 सी पे आएगा, जल्दी से लिख दीजिए आंसर। 2 है वो, अभी ई वाला नहीं सी वाला कर रहे हैं बेटा, ई का मत लिखो आंसर। 2 गुणा 5 10, 2 पंजे 10। ठीक है, ग्रेट। अब डी में आएगा 10 गुणा 3, 10 गुणा 3 डी में आएगा, 10 3 जा 10 गुणा 3, 10 3 जा 30 आएगा डी वाले, क्लियर? चलो ई वाले में देखो, 30 गुणा 2 ई में आएगा, ई में आएगा 30 गुणा 2, 30 गुणा 2 60, वेरी गुड, 32 जा 60। ठीक है, यहाँ आ जाओ, एफ वाले में आ जाओ, आप जल्दी से इधर आ जाओ, 10 गुणा 4, 10 गुणा 4 एफ में आना है अभी फिलहाल। हाँ, 10 को 4 से गुणा करो, एफ में आएगा 40, यस, 10 4 जा 40, गुड। जी में आ जाओ, 40 गुणा 3 शून्य लिख दो डायरेक्टली, आपको 40 का टेबल भी ये भी है, 40 गुणा 3, यस बेटा 120 होता है ना, 120। ठीक है, कैसे आया 40 गुणा 3, आपने सबसे पहले 1 0 था, 1 0 लगा दिया, 4 को 3 से गुणा कर दिया, 120 हो गया। ठीक है, 4 3 12 हो गया शून्य पहले। लास्ट वाला 120 को 1 से गुणा करो, एच में आएगा, इधर 120 को 1 से, यस 120 ही आएगा। ठीक है, ये हमारी पजल हो गई कंप्लीट, क्लियर? हाँ, ये हमारी कंप्लीटेड पजल है, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, गणना के आधारभूत नियम देखने वाले हैं, पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, तभी इसे सॉल्व करिए और मुझे बताइए क्या आंसर आएगा, ए आएगा या बी आएगा, सॉल्व करो और आंसर बताओ। आराम से टाइम लो अपना, सॉल्व करके बताओ ए है या बी है, 12 है उत्तर या 8 है। ठीक है, चलिए तो ज्यादातर बच्चों ने ए उत्तर दिया है इसका। ठीक है, और मैं आप लोगों को बता दूं कि ए इसका उत्तर नहीं है, उत्तर बी है, तो शायद एक आधे बच्चे ने किया आंसर, देखो किसने किया है बी पे, सुरेंद्र नाम के बच्चे ने किया है, सिर्फ बी ऑप्शन पे टिक, बाकी सभी बच्चों ने बोला ए ही है। अब देखो यही सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आप लोग यहाँ पे गलती करते हो, ठीक है, आपने यहाँ पे पढ़ना है बॉड मास का रूल, तो शायद आप बचपन में भी करके आ चुके हो, बॉड मास का रूल क्या कहता है, बॉड मास का रूल यहाँ देख लो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। बी मतलब होता है ब्रैकेट, मतलब सबसे पहले कोष्टक हल होगा, ओ मतलब ऑफ, ऑफ मतलब होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई होता है वैसे तो ऑफ का मतलब, डी मतलब डिवाइड या डिवीजन मतलब भाग, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन गुणा, ए मतलब एडिशन जोड़, एस मतलब सब्ट्रैक्शन घटाओ, ये सीरियल वाइज चलते हैं कि कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो ऐसे चलेगा,
ब्रैकेट दिया है तो ये पहले सॉल्व होगा, ठीक है। एडिशन घटाना सबसे लास्ट में होगा, आखिरी में सबसे घटाना चलेगा। अब देखो ये क्वेश्चन में कैसे मैंने लगाया इस वाले में, अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो यहाँ एक प्लस का सिंबल है और एक गुणा का। अब बॉड मास के रूल के हिसाब से बेटा बताओ पहले प्लस होगा या गुणा होगा, पहले जोड़ होगा या गुणा होगा, आप बताओगे। यहाँ देखो पहले गुणा आ रहा है या जोड़ आ रहा है, ये है गुणा, गुणा। गुणा आ रहा है ना, तो मतलब गुणा पहले होगा। तो दो को तीन से गुणा करनी है पहले, आपने जोड़ना नहीं है। तो दो को तीन से गुणा करा, छह आया, यहाँ दो प्लस की जगह प्लस, तो दो और छह 8 हो गए। क्लियर हुआ सभी को, बॉड मास का रूल यही कहता है, ठीक है। यहाँ पे सभी बच्चे आके कंफ्यूज हो जाते हैं, सभी को समझ में आ गया? और एग्जांपल करवाऊंगी मैं आगे। फिलहाल क्या करो, अपना इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस वाले का, नेक्स्ट जब आपकी क्लास में आपसे पूछूंगी कि क्या चीज पहले होती है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, आपकी मर्जी है। मैम स्क्रीनशॉट नहीं लिया जाता। हाँ लिख लो फिर। स्क्रीनशॉट बेटा बहुत आसान होता है, आपके फोन में एक ऊपर का बटन दबाना होता है और एक पावर वाला दबाना होता है। लिखने लिख लो हैं 2 डायरेक्ट, मिनट रुकना, लिखते हैं। हाँ लिख लीजिए फिर, स्क्रीनशॉट में ले पा रहे। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है। आप खुद ही से समझ सकते हैं कि इतने सारे बच्चे थे और सभी ने गलत किया एक के अलावा। चलो जब तक आप बता रहे हो मैं ना, हाँ वही मैंने बोला, एक बच्चे ने सही किया बाकी सभी ने गलत किया। चलो तब तक मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन देती हूँ, फिर अगली क्लास में देखेंगे बाकी। तो उत्तर लिखिए क्या सेक्शन में। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी ने ठीक किया। आपको पता है मल्टीप्लाई पहले होता है क्योंकि मल्टीप्लाई पहले आता है, जोड़ बाद में आता है। 5 को 4 से गुणा किया, बेस होता है 5 4 20, प्लस की जगह प्लस, 4 की जगह 4, 4 और 20 को जोड़ा कितना आया 24। क्लियर हो गया सभी को?